हाय देरन, अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जोया आपके साथ और हमारे बहुत सारे और भी दोस्त जो आज इस मार्केट में हमारे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे, मौजूद हैं हम लिबर्टी मार्केट में, जहां हमारे बहुत सारे दोस्त, हमारी हर तरह की आवाम जिसमें हमारे यंगस्टर्स भी शामिल हैं, जिसमें नौजवान हैं, बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, मर्द हजरात हैं, बूढ़े हैं, और यहाँ के शॉपकीपर्स हैं, यहाँ पर आने वाले वो सब लोग हैं, आउटसाइडर्स भी यहाँ पर आए होते हैं, फॉरेनर्स भी आए होते हैं, लोग अपनी शादियों की शॉपिंग कर रहे होते हैं, इंगेजमेंट की शॉपिंग कर रहे होते हैं, वैसे किसी इवेंट की शॉपिंग के लिए, बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे टैलेंटेड यंगस्टर्स भी यहाँ पर मौजूद होते हैं जो अपने कॉन्टेंट की क्रिएशन के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए यहाँ पर आते हैं, लोगों से तरह तरह के टॉपिक्स पर बात कर रहे होते हैं। तो हमारे प्रोग्राम में हम लेकर आते हैं आपके लिए फ़न, जो फ़न हमारे सवालों में होता है, हमारी बातचीत में होता है, हमारे दोस्तों की गपशप में होता है, गुफ्तगू में होता है। आज भी हमारे प्रोग्राम में हमारे दोस्त शामिल हैं, हमारे वो फ़न से भरपूर सवाल भी हमारे शो में शामिल होंगे, जिन्हें सुनने के लिए हमारे दोस्त हमेशा से बेताब होते हैं। तो जल्दी से अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं और आपको मिलवाते हैं हमारे आज के दोस्तों से। तो आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? हुबा। क्या करती हैं हुबा? मैं जो है वो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। ओह माय गॉड। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है? हुबैब, मोहम्मद हुबैब। हुबैब, आप क्या करते हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो दोनों इंजीनियर हैं, क्या बात है, मतलब दोनों बिजी हैं। तो इनको फिर कौन टाइम देता है? इनको भी दे देते मैनेज कर लेते हैं। तो ये कभी शिकायत नहीं करते हैं कि लाइक वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मामा भी नहीं होती है, पापा भी नहीं होते हैं? वर्क फ्रॉम होम बेसिकली। तो आप कब से घर से काम कर रही हैं, शादी के बाद से, शादी के पहले से? शादी से पहले जो है वो जॉब करती थी, उसके बाद आई वाज उमा। ये मतलब घर से काम करने का ट्रेंड तो पहले था भी नहीं ना, ये तो कोविड में कुछ ज़्यादा बढ़ा है, नहीं? कोविड के बाद से ये एक कॉन्सेप्ट जो है वो हुआ है वर्क फ्रॉम होम का। हाउ इज़ इट गोइंग, कैसा है? आई थिंक इट्स बेटर, थोड़ी वर्किंग वुमेंस के लिए एक वो थोड़ी रिलैक्सेशन हो गई है, और ये है कि जो लोगों को ज़रा ज़्यादा प्लेटफॉर्म मिल गया है काम करने के लिए, बस दैट्स इट। और क्या शौक हैं, क्या हॉबीज़ हैं, क्या मसरूफियात होती हैं काम के अलावा, इनके अलावा? आप बिल्कुल, आप ना छुड़ूंगी, आप बिल्कुल सीधे खड़े हो जाए ताकि आपको आपके फ्रेंड्स भी देख सके। यस, लाइक दिस। बस यही होता है कि वीकडेज में काम होता है, वीकेंड पे यही है कि फैमिली के साथ आउटिंग पे चले गए, बच्चों के साथ थोड़ा फन लैंड इस तरह। बाबा, आपका क्या नाम है? सरियान। आप क्या करते हैं? स्कूल जाता हूँ। स्कूल जाते, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? प्रेप। प्रेप में। आपके टीचर का क्या नाम है? टीचर रिदा अनवर। से हाय टीचर रिदा। वॉचिंग यू ना, हो सकता है भाई आपको सुबह में बताए, मैंने आपको देखा था। कुछ कह रहे अपने टीचर को? नहीं, हम तो नाराज हुए, सब भी होते हैं, हम भी ऐसे ही थे लिटरली में, तो बड़े हो गए इतनी जबान बटर स्कॉच की तरह चलने लग गए हैं। अच्छा, और बताइए पाकिस्तान के अलावा कभी कहीं और गए हैं आप लोग? नहीं, फिलहाल तो पाकिस्तान ही है, इसके अलावा इंशाल्लाह प्लान है इन फ्यूचर, लेकिन अभी फिलहाल कहीं नहीं। अच्छा, लोग प्लान क्यों कर रहे हैं पाकिस्तान छोड़ के जाने वाला? ये पाकिस्तान छोड़ के जाने वाला प्लान है या घूमने फिरने वाला प्लान है? जो है वो वेकेशंस या विजिट इस तरह नहीं। सेटलमेंट का कोई ऐसा सीन नहीं है, इरादा नहीं? नहीं, बिजली चाहे बंद हो जाए, पावर प्लांट चाहे जितने भी बंद हो जाए, सारे बंद हो जाए। कसम से आप नहीं जाएंगे? अब अगर आपको कल पता चले सारे पावर प्लांट बंद हो रहे हैं, फिर क्या करेंगे? फिर अल्लाह, कसम से इतने जो है ना वो हुबुल वतनी सब में इतनी भरी हुई है ना, तो अल्लाह करे ये पावर प्लांट हमारे चीज़ें चलते रहेंगे, बिजली आने जाने वाले जो सीन है ये ख़त्म हो जाए। आमीन सुआमी। और बताइए, कुछ सिंगिंग का शौक है, एक्टिंग का शौक है? नहीं, सब बुरा लगता है? नहीं, बुरा नहीं लगता, लेकिन पर्सनैलिटी होती है ना हर बंदे की, वी डोंट। कुछ लोग होते हैं, listen. ये कि मुझे मोला जट दिखा के लेके आओ, मैं स्पेशली इसलिए फिर इसको लेके आया हूँ, उधर लेके जाना है यार, सिनेमा जाना है अभी हम। अच्छा, कौन से कैरेक्टर आपको सबसे फेवरेट है? अभी मैंने देखी नहीं है, देखी नहीं है, बट ऐसे जो 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 है वो मुझे ज़रा ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, हमजा अली अब्बासी का जो है ना नूरी नथ, तो मुझे लग रहा है वो ज़रा फैसिनेटिंग है थोड़ा, इंशाल्लाह।
इसके अलावा जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं उसमें आपको कोई फेवरेट, कोई आप किसी को पसंद कर रहे हो, किसी को लाइक कर रहे हो, या कुछ कोई तनकीद ही कर दें, छोड़े पड़े क्या लाइकलीनेस करनी हो, तनकीद करें, खुल के करें। नहीं मतलब मेरी कोई इतना ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई फेवरेट है या बहुत कोई डिसलाइक, टाइम पास। हाँ टाइम पास, कोई इतनी ज़्यादा वो फैन फॉलोइंग या वो नहीं, इस तरह का हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है ना, टाइम नहीं है सीरियसली। अच्छा हुमा एक सवाल पूछते हैं, लेट्स सी खुबैब हुमा कौन जवाब देता है हमें। तो मेरा सवाल आपसे ये है, जैसे आप भी दे सकते हैं, आप हेल्प कर सकते हैं मामा पापा की अगर इनको समझ में ना आ रहा हो तो। ओके सो माय क्वेश्चन इज, एक आदमी ने एक मरे हुए गधे को देखा चलते हुए, हाँ नहीं 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 नहीं, एक आदमी ने एक मरे हुए गधे को चलते हुए देखा, कैसे कैसे? अपने ख्वाब में मरे हुए गधे exactly में, हाँ चलते हुए कैसे? एग्जैक्टली यस, वो चल रहा था ना, ये बात मैं क्योंकि पूछने को जिस आपको समझ ना है, बट वो मैंने कहा चलिए थोड़ा सा समझाने वाले अंदाज में कर देते। थैंक यू सो वेरी मच हम और आपकी जाने से छोटे से गिफ्ट टाइम पर। थैंक यू, सलामकुम। क्या नाम है आप? यूनेस। आपके तीनों बच्चे? माशाल्लाह। कि मिसेस नहीं आई है मार्केट में, बिजी है शॉपिंग में, बच्चे संभाले हुए आज। आपका क्या नाम है बेटा? अब्रेश। अब्रेश, बट अ ब्यूटीफुल नेम। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? गोल्ड में पढ़ती हूँ। गोल्ड टू गोल्ड में पढ़ती हैं। अच्छा आज कैसा लग रहा है मार्केट में आके अब्रेश? ठीक, अच्छा। आप मामा के साथ नहीं गई हैं? बस आगे आ जाए, इधर आ जाए। अच्छा आप मामा के साथ नहीं गई? गई हूँ। मतलब आप तो फिर पापा के साथ घूम रही हैं। और आपकी सिस्टर का क्या नाम है? जरिश। जरिश भी स्कूल जाती है? यस। कौन सी क्लास में? नर्सरी पर्पल में। नर्सरी पर्पल में है, ओके। जरिश आपकी सबसे अच्छी फ्रेंड है क्या? सिस्टर है। हाँ ना, तो फ्रेंड है या नहीं है? है, फ्रेंड भी है। और ये छोटी बहन का क्या नाम है? हानिश। हानिश, हानिश आपसे बातें करती है? हाँ जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपकी सबसे फेवरेट डिश क्या है? डिश क्या? अच्छा सबसे पसंद है खाना? फ्रेंच टोस्ट। अच्छा सर आप बताइए कि हाउ इज लाइफ और क्या करते हैं आप? मेरा बिजनेस है, मेरा इसकी बैक भी मेरा ऑफिस है आशियाना टावर्स में जी। हमारा माइक बहुत पसंद आ गया बच्चों को। अच्छा मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान के अलावा कभी कहीं और जाना हुआ आपका? जी मेरा, हाँ मैं यूरोप में, इंग्लैंड में, अमेरिका। सबसे अच्छी जगह आपको कौन सी लगती है? पाकिस्तान। अच्छा हालात आज कंट्री इन द वर्ल्ड। अच्छा मुझे ये बताइए कि काम के अलावा और क्या मसरूफियात होती हैं, क्या शौक़ हैं आपके? क्योंकि ज़ाहिर है अब तो ज़िंदगी बिल्कुल ही बदल गई है बच्चों के साथ, तो मी टाइम भी कोई होता है, कहीं भी फ्रेंड के साथ आना जाना क्या? हाँ कोशिश होती है, फ्रेंड्स सब बच्चे हैं मेरे। वाह वेरी नाइस। यस, और उसके अलावा जिम कोशिश करता हूँ लेकिन हो नहीं पाता, मैनेज नहीं, टाइम निकालना मुश्किल होता है। yes. अच्छा मुझे ये बताइए कि आप कोई टैलेंट है? बस ये बात हम क्यों नहीं, हम सभी से कर सकते हैं, ये ज़रूरी तो नहीं कि सिर्फ यंगस्टर्स ही होते हैं जिनमें टैलेंट होता है, टैलेंट तो हर इंसान में है। कोई ऐसा टैलेंट जो आप समझते हो कि आपका हिडन टैलेंट है या आपका ऐसा टैलेंट है जो आपने लोगों को दिखाया हो कभी? करते हैं आप आवाज थोड़े, आप आवाज की तो हमने बात ही नहीं की है। हम तो ये पूछ रहे हैं कि सिंगिंग की है कि नहीं की है। चलें फिर हम यूं करते हैं कि हम अब्रिश से गाना सुनते हैं। Here I go, feel better now. अच्छा अब आप सुनाइए, आप बल्कि अपनी मिसेस को डेडिकेट कीजिएगा गाना। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुम्हें चाहूँ। तो डेफिनेटली अब जब आपकी मिसेस ये प्रोग्राम देख रही होंगी ना तो तब उन्हें एक सरप्राइज मिलेगा ये। अच्छा आपसे एक सवाल करते हैं लच्ची, क्या आप सवाल का जवाब देने में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं? सवाल ये है कि कौन सा इस्लामी मुल्क है जिसमें दो बर आज़म है? एक ऐसा इस्लामिक मुल्क है, चलिए जनरल नॉलेज पे हम आ गए ना, चलो रिडल से हम निकल आए, रिडल थोड़ा मुश्किल हो जाती है ना।
थिंक अतरुल देखते हैं, देखा होगा आपने। अच्छा चलिए। अच्छा जी ये टर्की। दैट वाज अ हिंट, थैंक यू सो मच। गुड गुड, अच्छा हुआ चले। एंड हम और आप में आपने हमसे बात की, थैंक यू सो वेरी मच। आपको याद दिलाता रहेगा कि आप हमारे प्रोग्राम में आए थे, थैंक यू। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से वक्त से वक्फे का, हमारे साथ रहिएगा। ओह माय गॉड, वैसे अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन ऐसा भी होता है। केक्स बनाए हैं और दोनों दफा जिन्होंने खाए उनकी मुंगलियां। दिल में किसी के प्यार का जलता हुआ दिया, दुनिया की आंधियों से भला ये बुझेगा क्या। वेलकम बैक, हम और आप में मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट में और हमारे बहुत सारे दोस्त, हमारे यंगस्टर्स, हमारी आवाम जिनसे हम बातें कर रहे हैं, तो आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? नेहक सुहेल। आपका क्या नाम है? कमल। कमल, इज शी योर मदर? यस शी इज। मैं क्या करती हूँ? मैं पढ़ी हूँ फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में क्या सब्जेक्ट्स हैं? प्री इंजीनियरिंग। ब्यूटीफुल है। थैंक यू सो मच। आई लव दिस हेयर बट आई लव स्ट्रेट हेयर। कम ऑन डोंट से दैट, वो तो स्ट्रेट में ना, तुम ये तुम्हें बहुत प्यारे लग रहे हैं। जिसके स्ट्रेट होते वो कहते हैं कि नहीं मेरे नूडल हेयर होने चाहिए, मेरे कर्ल्स होने चाहिए। जिसके कर्ल्स होते, जिसके नूडल हेयर होते, वो कहते हैं नहीं मेरे स्ट्रेट होने चाहिए। ये क्या बात है? ये लोग तब तक कहते हैं जब तक कोई एक्सपीरियंस नहीं करते। एक एक सुबह आप उठो ना इनके साथ, तो सारे डर के भाग जाते। नहीं नहीं नहीं, आई थिंक सुबह में भी ये बहुत ही अच्छे लगते होंगे। खैर, और मुझे बताओ है कि क्या एक्टिविटीज़ होती हैं पढ़ाई के अलावा? बस आजकल तो इतनी पढ़ाई है, मुझे और कुछ सोचता ही नहीं है। अच्छा, आजकल के बच्चे इतना ओवर ऑक्यूपाइड क्यों हैं? क्या चक्कर क्या है भाई? हमारे बच्चे हंसते क्यों नहीं, मुस्कुराते क्यों नहीं है? कोई कोई डांस वांस क्यों नहीं करते? कोई पोइट्री नहीं करते? अरे कोई स्विमिंग, कोई राइडिंग, कोई इस किस्म की एक्टिविटीज़ क्यों नहीं है हमारे बच्चों की? मैं आपको बताती हूँ, जो होते हैं पढ़ाकू कीड़े उनकी एक्टिविटीज़ नहीं होती। क्यों नहीं होती है? मतलब क्या हमारे बच्चे सिर्फ किताबों में क्यों घुस जाते हैं? वो बेसिकली थोड़े खिसके हुए होते हैं दिमाग से, जिस तरह की मैं। लेकिन मतलब जिनका थोड़े से जो वो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं और मतलब उन्हें बाकी चीज़ों में इंटरेस्ट होता है। असल में हमारे ये है कि हमारे स्कूल्स में इतनी है नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलर्स नहीं है। स्कूल्स में ही बच्चों को, जब आपके स्कूल लेवल पर ही आपको इन्वॉल्व नहीं करेंगे कि कोई स्विमिंग लेसन है, कोई आपके म्यूजिक क्लास है, कोई आपकी एक्टिंग का आपका है, कोई आर्ट का कुछ और है करने को, तो बच्चों की आदतें कैसे डेवलप होंगी? वही चीज़ें फिर बच्चे जाके कॉलेजेस में फॉलो करते हैं। सी दैट्स द पॉइंट, इफ़ यू डोंट नो हाउ टू प्ले बास्केटबॉल, इफ़ यू डोंट नो हाउ टू डू हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, हाउ विल वी सी इफ वी हैव इंटरेस्ट? घोड़ा थोड़ी कोई आ जाएगा, मतलब भागता दौड़ता तुम्हारे पास आके तो खुद ही जाना पड़ेगा ना। ओके फाइन, चलें, ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। तो इसका मतलब ये है कि हमने ये चीज़ भी उठा के अपने स्कूल सिस्टम पे, एजुकेशन सिस्टम पे डाल दिए। तुम जिम्मेदार हो इसके। लेकिन मतलब कुछ स्कूल्स करते हैं, ये हैं भी ना जिम्मेदार हैं ना, बहुत 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 पैसे लेते हैं। बहुत सही बात, इतना पैसा हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। मेंटली टॉर्चर किया जाता है बच्चों को। और मतलब उनकी और कोई फिजिकल एक्टिविटीज कुछ नहीं होता। कुकिंग करती हो? कुकिंग बेकिंग करती हूँ। कोई अच्छी सी रेसिपी शेयर करो। रेसिपी मैं तो बस केक मिक्स उठाती हूँ जो मुझे अच्छा लगे, और केक मिक्स को अंडे उसमें डालते हैं, ठीक है? पीछे बॉक्स के पीछे इंस्ट्रक्शंस हैं, इट्स वेरी क्लियर। और अगर वो ना समझ आए फिर यूट्यूब पे एग्स होते हैं, ऑयल होता है। बाय द एंड वो कैसा बनता है? इट्स प्रीटी गुड। और मतलब अगर आपको रेसिपी 7 डब्बे के पीछे मिल रही है तो एग्जैक्टली अगर फॉलो करो तो बहुत अच्छा बनता है। मंगनियाँ टूट जाती है खाने के बाद। ओह माय गॉड, वैसे अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा भी होता है। दोनों दफा केक्स बनाए हैं और दोनों दफा जिन्होंने खाया उनकी मुंगलियां। अच्छा, अल्लाह ना करे कि इस बार कुछ टूटे, इससे पहले कि कुछ टूटे, लेकिन हम आपसे करते हैं सवाल ऐसी कि आप सवाल का जवाब देने में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं। तो मुझे ये बताइए कि एक आदमी ने मरे हुए गधे को चलते हुए देखा, कैसे? मरे हुए गधे को चलते हुए देखा। एक आदमी ने मरे हुए गधे को चलते हुए देखा, कैसे? कैसे? वो आदमी मरा हुआ था और जन्नत में दोनों की मुलाकात। नहीं नहीं, वो मिसाल ही था। ये मिसाल है। नहीं नहीं नहीं, नहीं सवाल है। डिटेल है ना? हाँ, इंडीड। ओके, गेस गेस गेस।
एक आदमी ने मरे हुए गधे को चलते हुए देखा। वो ये मेरा तो यही जवाब है। तुम दिमाग नहीं लगा रही हो। अब मैं बिल्कुल मानने पे तैयार नहीं हूँ कि तुम इतना बड़ा किताबी कीड़ा हो। मैं ये मान नहीं सकती। किताबी कीड़ा नहीं हूँ। तो मैं जल्दी से बताओ। अच्छा, मरे हुए आदमी ने नहीं, एक आदमी ने मरे हुए गधे को चलते हुए देखा। अरे नहीं, दोनों ठीक ठाक है। सवाल बदल दूं? हाँ, बदल दे सवाल। चलो, अब मुझे ये बताओ कि किस चीज को हम ब्लैक डायमंड कहते हैं? ब्लैक डायमंड किसे कहते हैं? ब्लैक डायमंड को नहीं, तो कौन है ना ब्लैक डायमंड? क्या है? मैं नहीं सवाल बदलूंगी। लेकिन मैं तुम्हें गिफ्ट हैम्पर्स जरूर दूंगी। अमर आप में, थैंक यू सो वेरी मच। इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? इनाम मलिक। क्या करते हैं आप? बिजनेस करता हूं, आर्टिकल ज्वेलरी का। अच्छा, पाकिस्तान में कहां से ताल्लुक है आपका? लाहौर से। लाहौर से ही? हमेशा से? शुरू से, पैदा ही लाहौर से होता। और लिबर्टी मार्केट में काम है आपका? मेरा ये शॉप है। मुझे बताइए, क्या कारोबार के क्या हालात? बहुत बुरे हालात हैं। खवातीन क्या करती है? झगड़ा करती है? झगड़ा तो करती हैं, पर पता क्या बात है कि अब चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं। पहले जो हम चीज़ लाते थे ना, वही जो कस्टमर को बेचते थे, अब वही रेट हमें आ रहा है। तो कस्टमर ने तो फिर आपको देखना ना, फिर करना ही है ना, ये बात है। अच्छा, ये बताइए, ये मतलब चीज़ों की प्राइसेस एकदम से इतनी जल्दी क्यों बढ़ जाती हैं? जब भी एक महीने बाद, 15 दिन बाद कोई भी चीज़ अब दोबारा कस्टमर लेने के लिए आता है, तो बाकी मेरे भी देखने में ऐसा आता है कि प्राइसेस हमेशा इंक्रीज्ड होती हैं। कम क्यों नहीं होती हैं? कम पता क्या पाता है, कम करने वाले जो है ना, हम ताजर ही हैं और बढ़ाने वाले भी हम ही हैं। वो वजह ये है कि जो बाहर से जब माल आता है ना, चाइना से या इंडिया से आता है, तो फिर उस हिसाब से हम रेट निकालते हैं। आप कहाँ से मंगवाते हैं? हमारा तो, मैं तो चाइना का भी यूज़ करता हूँ, इंडियन भी यूज़ करता हूँ, तो दोनों माल आते हैं। फ़र्क क्या है दोनों मालों में? पता क्या बात है, जो इंडियन डिज़ाइनिंग है ना, वो बहुत टॉप पे है और महंगी है। चाइना उसकी बनिस्बत सस्ता है, मगर रिलायबल भी है कि नहीं? ड्यूरेबल कहना चाहिए। ड्यूरेबल पता क्या, वो पायदार है, मगर वो अगर हम उनको जो सही कीमत है ना वो दें, क्योंकि चाइना वालों को हम जाके जो बताएंगे ना कि 10 रुपए की चीज़ है, वो 12 रुपए की है, तो वो 8 रुपए की हमें बनाता है, वो सेम बना देंगे, मगर वो क्वालिटी नहीं डालेंगे उसमें। सेम बना देंगे मगर वो कस्टमर को नहीं पता। इंडियन जो चीज़ है ना, वो बहुत आउट क्लास है, मगर वो आम नहीं मिलती यहाँ। क्या लाते हैं इंडियन ज्वेलरी में आप? इंडियन ज्वेलरी में झुमका आता है, पायल आती है, नेकलेस आते हैं, गले की माला आती है। तो आप खुद जाते हैं या आप सामान मंगवाते हैं? हम खुद नहीं जा सकते, पता क्या बात है कि वो कंटेनर ही आना होता है। इतनी अफोर्डेबल नहीं है कि हम कंटेनर ले आएँ। हम तो इसी तरह शालमी से जाते हैं या कराची से चले जाते हैं, बस ये बात है। हाँ, इतना होता है। हमेशा से यही काम कर रहे हैं या कोई और काम भी किया जिंदगी? मैंने शुरू से 25 साल हो गए मुझे मार्केट में ना, यही काम किया। आपने पढ़ा कि? मैं FA पास हूँ। उसके बाद से ही आपने काम करना शुरू कर दिया? भाई, काम तो करना पड़ता है। मैं माँ बाप का बेटा था, एक ही मैं बेटा हूँ, तो फिर पता, जिम्मेदारी तो आपको पता आती है। तो पहले तो मैं जॉब करता था ना, कॉर्पोरेशन में होता था, फिर उसके बाद मैंने ये छोड़ दिया, फिर मेडिकल की तरफ चला गया था। मेडिकल से बाद मैं इधर आ गया हूँ, फिर उधर से अभी तक उस यहीं पे हूँ। 25 साल हो गए मुझे। मुझे ये बताइए कि कोई शौक भी है ज़िंदगी में, कोई अपने लिए भी कुछ करते हैं, कुछ अपनी खुशी के लिए, अपनी ज़ात की खुशी के लिए, जब बहुत खुशी महसूस कर रहे होते हैं तो क्या होता है, क्या इजहार क्या होता है खुशी का? क्या गाना कोई गुनगुना देते हैं? खुशी का कैसे इजहार करते हैं? बस यही है कि ये गाना होता है, मैं अक्सर गाया करता हूँ, दिल में किसी के प्यार का। चले सुनाए। दिल में किसी के प्यार का जलता हुआ दिया, दुनिया की आंधियों से भला ये बुझेगा क्या। और दमिंदर पे फरमाया हुआ किशोर कुमार की आवाज़। पूछने वाली थी आपसे वैसे। चले, मैंने आपको एडवांस ही बता दिया। और मूवी का नाम भी जानते हैं? नहीं, मूवी का नाम नहीं। अच्छा सर, आपसे एक सवाल पूछते हैं, देखते हैं कि आपको सवाल का जवाब आता है या नहीं आता। तो सवाल मेरा आपसे ये है कि कौन सा इस्लामी मुल्क है जिसके दो बर्रे आज़म हैं या दो बर्रे आज़मों पर मुश्तमिल है? इस्लामी मुल्क पाकिस्तान भी है, और पाकिस्तान में कुछ और सीरीज भी चलती हैं कुछ इस्लामी मुल्क। वही देख लें, दुबई की सीरीज हमारे यहाँ नहीं चलती है। अच्छा, टेलीविजन सीरीज हैं जो ड्रामे भी हम देख रहे हैं। तुर्की जनाब, ये बात। और
आपका जो है अंदाज़ा बिल्कुल ठीक हुआ। हम और आप आपको बहुत शुक्रगुजार हैं हमसे बात की, थैंक यू सो वेरी मच। आपको याद दिलाता रहेगा कि आप हमारे शो में आए थे, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। दानप दाना दानना शेर बलोचिस्ताना मनी जान जान जानना दानप दाना दानना। अगर आदमी अपने आप से प्यार नहीं करता तो किसी से और किसी से क्या प्यार करेगा। पहले तो अपने आप को अपना अपनी जात को अपनी नज़र में वजन देना चाहिए ना, कि मेरी अपनी नज़र में मेरा अपना वजन क्या है। वेलकम बैक, हम और आप, हमारे बहुत सारे दोस्त और जोया आपके सामने तो मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट में और शुरू करने वाले हैं हम अपने फन के इस सिलसिले को, तो आइए मेरे साथ। सर आपका नाम? शब्बीर राजपूत। सर क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। गुड है। अच्छा कहाँ से ताल्लुक है आपका? मेरा क्वेटा से जी। यहाँ घूमने फिरने आए हैं? जी चक्कर हम घूमने के लिए चक्कर लगाने हैं। कोई बात, हम पाकिस्तानी ना हर बात पे कहते हैं चक्कर लगा लेना, वहाँ का चक्कर लगा कर आए, तो हम लाहौर का चक्कर लगाने आए हैं। तो क्वेटा में बहुत वेदर ठंडा है ना, बर्फ गिरी हुई है तो काफी चक्कर नहीं लगाया जाता, वहाँ घूम नहीं सकते है ना वेदर की वजह से, तो लाहौर में जरा इंजॉय कर लेते हैं घूम के जी, तो इस वजह से इंसान रिलैक्स हो जाता है। क्वेटा के बारे में बताइए, अच्छी अच्छी बातें बताइए, चले हमें वहाँ के फ्रूट बताइए। बारे में मेहमान नवाजी बहुत है जी, वहाँ की सब्जी बड़ी मशहूर है जी, वहाँ का टिक्का बहुत मशहूर है, अखरोट बादाम पिस्ता सेब ये काफ़ी चीज़ें हैं, जरदालू, तो काफ़ी वहाँ के फल मशहूर हैं जी, आप लोग जो खाते हैं। क्वेटा के पहाड़ भी मशहूर हैं? बहुत मशहूर हैं जी क्वेटा के पहाड़, क्वेटा जो है पहाड़ चारों तरफ पहाड़ों में ही बना हुआ है बहुत। और मुझे ये बताइए कि स्नोफॉल कब से कब तक होता है क्वेटा में? स्नोफॉल ये दिसंबर के बाद शुरू हो जाता है। कब तक रहता है ये? मार्च का कोई मार्च तक शायद होता है जी, होता है। लास्ट टाइम आपको याद होगा पिछले साल गर्मी बहुत जल्दी आ गई थी, तो क्या मार्च में तब भी स्नोफॉल था वहाँ पे? नहीं गर्मी आ गई थी लेकिन हुआ था, इतनी सर्दी नहीं थी। इस वारी तो बहुत सर्दी, 40 साल रिकॉर्ड की सर्दी पड़ी है। ये बताइए कि गर्मियों में कैसा माहौल होता है, कैसा मौसम होता है? क्योंकि आई हैव नेवर बीन टू क्वेटा, मैं नहीं कभी गई हूँ। हमारे जो लाहौर के दोस्त हैं इस वक्त जो देख रहे हैं, थोड़ा उनको भी क्वेटा के बारे में जानने का मौका मिले। आप आइएगा, बहुत अच्छा वेदर होता है, ज़ारत जाइएगा, अन्ना उड़क घूमिए। कब से कब तक का मौसम खुला होता है, अच्छा होता है, बाहर की तरह होता है? जून तो आपको ऐसे लगेगा जैसे आप सर्दी में आ गए, वहाँ ठंडे पानी से आपको गुसल करना, मतलब ऐसा ऐसा मौसम, ऐसा मौसम होगा ज़ारत में जी, ऐसा नाइस मौसम, वेदर बहुत अच्छा है। क्वेटा में आप आइएगा, आपको एक तो मेहमान नवाजी आपको अच्छी मिलेगी, एक वेदर अच्छा मिलेगा, एक माहौल अच्छा मिलेगा, आप लाइक करेंगे कि मैं कहीं आए हूँ, आप किसी अच्छी जगह आए जी, तो इस तरह जी। चले सर, आप कोई कोई गाना गाते हैं, कुछ सुनाते हैं, कुछ गुनगुनाते हैं? थोड़ा थोड़ा सीधा हो जाइए, ये आप गुनगुनाएं, कोई गाना सुना दे। चले आप हमें पश्तो में कुछ सुना दे, गाना मशहूर है दानप दाना, चले वो सुना दे। दानप दाना दानना शेर बलोचिस्ताना मनी जान जान जानना दानप दाना दानना। आपसे एक सवाल करते हैं, देखते हैं कि आप जवाब दे पाते हैं या नहीं। तो सवाल हमारा आपसे ये है कि वो कौन से इस्लामी मुल्क है जिसमें दो बर आज़म हैं? इस्लामी मुल्क तो सऊदी अरब भी है, तुर्की। सर बर आज़म है, थोड़ा सा फोकस कीजिए सवाल पे, मतलब दो हिस्सों में है, दो आप समझ लीजिए दो बर आज़म हैं जिन पर वो मुल्क मुश्तमल है। बर आज़म एशिया ही होगा? एशिया तो नहीं, एक मुल्क है इस्लामी मुल्क है। कोई सीरीज देखते हैं, इस्लामी सीरीज देखते हैं कोई, मतलब आज तो बड़कल बड़े ड्रामे भी चल रहे हैं, बाहर के भी चल रहे हैं ना सर, ये बात ना, देखा आप पहुंचे, हम और आप आपको शुक्रगुजार है, थैंक यू सो वेरी मच। याद रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? मेरा नाम शेख मोहम्मद मुश्ताक है। क्या करते हैं मुश्ताक साहब आप? मेरा तलक मार्केटिंग के साथ है। मार्केटिंग के साथ है, किसी फर्म के साथ काम कर रहे हैं या आपका अपना काम है? नहीं, किसी कंपनी के साथ मैं काम कर रहा हूं। से काम कर रहे हैं आप? ये मुझे लास्ट 15 इयर्स हो गए हैं। 15 या 50? 15।
15 ओके मतलब इससे पहले कुछ और कर रहे थे? मैं उससे पहले बैंकिंग सेक्टर में था, मैं सिटी बैंक में भी रहा हूँ, फिर अल्फा और यूबीएल में भी मैंने कार किया। मुझे तो मार्केटिंग में तो 25 साल हो गया। और बताइए हाउ इज लाइफ? लाइफ बहुत खूबसूरत है। ये जिंदगी में एक ही वक्त एक टाइम मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। और यू मस्ट लव योर सेल्फ, पार्टिकुलरली आप अपनी ज़ात को अहमियत दें, अपनी ज़ात से लव करें, अपनी ज़ात से प्यार करें और अपनी ज़ात सेल्फ लव को मज़ीद डिफाइन कीजिए, कहीं सेल्फिशनेस में तो नहीं आ जाता? नहीं नहीं, क्यों सेल्फिश में आ जाएगा? अगर आदमी अपने आप से प्यार नहीं करता तो किसी से और किसी से क्या प्यार करेगा? पहले तो अपने आप को अपना अपनी ज़ात को अपनी नज़र में वज़न देना चाहिए ना, कि मेरी अपनी नज़र में मेरा अपना वज़न क्या है। अगर वो अपनी ज़ात को पॉजिटिव लेके जाएगा, सोचेगा, देखेगा, तो तभी वो फिर पॉजिटिव जो है ना तरक्की करेगा। अगर नेगेटिव सोचता तो ही इज़ गोइंग टू स्पेल हिमसेल्फ। जो बंदा ये हुटर सुनता है ना, वो दीन का भी है और दुनिया का भी है। उसे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ। दुनिया में तीन काम बहुत मुश्किल हैं। मेरा ये ईमान है कि अगर वो इंसान कर ले तो आज का वली है। दुनिया में जो सबसे मुश्किल काम है ना, वो अपने मैं की नफ़ी करना, ये होती नहीं है। इसके लिए बेकायदा आपको अमल की ज़रूरत है। लिप सर्विस नहीं होनी चाहिए, बेकायदा उसका एक अमल भी होना चाहिए। दूसरा जो है वो लोगों का ख्याल रखना, एहसास करना। अगर इंसान में एहसास ही नहीं है तो फिर इंसान तो जो जस्ट गोश्त का एक लोथड़ा है। और इसी तरह जो तीसरा काम है वो तकबीर उलग सा वक्त पर नमाज़ पढ़ना। जब आप तकबीर उलग सा पढ़ते हैं, फिर आप जब अल्लाह पर अपने सारे मामला फेंक देते हैं, तो अल्लाह फिर आप ही की जो है ना वो केयर भी करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह के लव इसी का नाम है। कनात पसंदी होनी चाहिए, जो अल्लाह ने दे दिया है उस पर इंसान को सब्र शुक्र करना चाहिए। असल में जो लोग परेशान है ना, उनकी जुबान पे ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। शिकवा है ना सर, शिकवा कर रहे हैं ना हर कोई अपनी अपनी जगह पे, छुपी हुई शिकायतें हैं ना, हमारी दबी हुई शिकायतें। उसे जान नमाज में करें, उसे सजदे में करें। उसको सबसे जो कीमती चीज़ है ना, वो आँख का आपका एक आंसू है। ये इसको लोगों को चाहिए कि वो सजदे में आके शुक्र करें और आंख का एक आंसू बहा के देखें। वो कभी किसी के सामने, मैं नहीं समझता कि शर्मिंदगी होगी आपको, तो जब उसने पैदा किया है तो उसी से कहे ना, यार सारे मामला तेरे सामने, मैं आ गया हूँ, तो यार जब मैं अपने आप को सिलेंडर कर दिया तो पीछे क्या रह गया। सर बहुत खूबसूरत बातें की। अच्छा मुझे ये बताइए कि कुछ शौक भी हैं वैसे, कुछ अब ज़िंदगी में कुछ हल्की फुल्की बातों की तरफ ज़रा आ जाते हैं। ये बताइए कि कुछ कुछ अपनी जो खुशी के लम्हात होते हैं, जो इन्जॉय करने के लम्हात होते हैं, वो कैसे होते हैं? दोस्तों के साथ कहीं आते हैं, जाते हैं, मौसीकी सुनते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, क्या करते हैं आप? मैं ये कहता हूँ कि ज़िंदगी बड़ी थोड़ी सी है, जहाँ पे भी आपको मौका मिलता है ना खुशियों के लिए, तो आप अपनी खुशियाँ ज़रूर इजहार करें। कोई उससे क्या लेता है, क्या सोचता नहीं। मुझे डांस करने का बहुत शौक है। अभी परसों मेरे कज़न की शादी थी, मैं अकेला डांस कर रहा था। तो लाइफ में मैं अपने आप से इंजॉय करूं। मुझे लोग क्या कहते हैं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे ये ज़रूरत है कि मैं अपने आप में मुतमईन हूं, मैं खुश हूं, क्योंकि मेरी ज़िंदगी है, मेरे सांस हैं, तो मुझे अपने सांसों को अपने हिसाब से गुजारना चाहिए। अल्लाह ने ये सांस दिए हुए हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि किसी की दिलदारी ना हो। सर आपसे एक सवाल करते हैं, जैसे कि आपको इस सवाल का जवाब आता है या नहीं आता, तो सवाल मेरा आपसे कुछ ऐसा है कि ब्लैक डायमंड किसे कहा जाता है? कोयले को। एग्जैक्टली यस, कोयले को कहा जाता है। मैंने कहा चलिए किसी रिडल में नहीं आपको फंसाते हैं, थोड़ा मुश्किल है हो जाए। नहीं सो आई सब यू, थैंक यू सो वेरी मच। आपका बहुत शुक्रगुजार है, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि हम बिछड़ने लगे, आपको खुदा हाफिज़ कहने लगे, हम आपको बताएंगे वो तमाम सवाल जो हमने आज के शो में पूछे थे और उनके सही जवाब क्या थे, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे थे जिन्होंने सही सवालों के सही जवाब दिए, लेकिन बहुत सारे दोस्त ऐसे भी थे जिन्होंने हमारे सवालों के सही जवाब नहीं दिए। तो जल्दी से सुनते जाइए, वो क्या है कि जिसमें कुछ भी हो फिर भी आप उसमें देख सकते हैं, यानी कि उसमें कुछ ना भी हो तब भी आप उसमें देख सकते हैं, तो वो है सुराख। सुराख में कुछ भी नहीं होता लेकिन आप उसमें देख सकते हैं। और एक सवाल हमारा ये था कि एक आदमी ने मरे हुए गधे को चलते हुए देखा, क्योंकि वो आदमी भी चल रहा था इसलिए। और एक और सवाल कि ब्लैक डायमंड किसे कहा जाता है, तो ब्लैक डायमंड कोल को कहा जाता है, कोयले को कहा जाता है। वो कौन सा इस्लामी मुल्क है जिसमें दो बर्याज़म या वो दो बर्याज़मों पर मुश्तमिल है, वो है मुल्क तुर्की। तो जनाब इसी के साथ हमारा आज का प्रोग्राम खत्म हुआ। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात होती है हमारे अगले शो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।